डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है इवेल्यूट, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, 4 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसका पहले वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बेस सेम नहीं है और ना ही ये पावर सेम है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे में ये 8 है, यहाँ 2 है, तो इसके बेस को हम सेम कर सकते हैं। कैसे होगा देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 पर पावर 3 और यहाँ पे माइनस वन पावर दिया हुआ है, पावर का पावर हो गया। उसके बाद 5 पर पावर 3 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2 पर पावर -4। नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, पावर का पावर जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 पर पावर हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, माइनस और मल्टीप्लाई 5 पर पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर -4। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों का बेस सेम हो रहा है, डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस हो जाता है। यहाँ पे लेते हैं, अब यहाँ पे हम सिर्फ 2 लेंगे और उसके पावर को, क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहा है, इसके लिए सिर्फ एक 2 होगा और पावर माइनस हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, -3 - पावर -4। देखिए ये माइनस जो है फॉर्मूले से है और ऑलरेडी तो इन दोनों में माइनस है, नीचे वाला 2 ख़त्म हो गया, अब सिर्फ ये बची है 5 पर पावर 3, ये साथ में चलता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 पर पावर 3 प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट ख़त्म होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई 5 पर पावर 3। उसके बाद 2 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ओनली 2 रह जाएगा, 2 पर पावर 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 पर पावर 3, ठीक ऐसे रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये 5 पर पावर 3 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 5 5 जा 25 25 5 जा 125, तो 2 मल्टीप्लाई 125 मतलब है कि ये हो जाएगा 250 और यही इसका आंसर हो जाएगा 250। ये हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको हम लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सेकेंड पार्ट, और इसमें देख सकते हैं सभी पावर माइनस में है और -1 है इसमें, इसमें सभी में, मतलब है कि पावर जो है सेम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। आप लोग को पता है कि इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका इस पर हम पावर m रखते हैं और बेस डिफरेंट है, मतलब b और पावर m, ये क्या होता है ab जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और सिर्फ एक पावर लगता है, ये फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे m हो जाएगा, उसी अनुसार से हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 और ये -1 मल्टीप्लाई 6 पर पावर -1, ये क्या हो जाएगा 10, 5 टू जा 10 हो गया, इस पे
पावर माइनस वन मल्टीप्लाई सिक्स पर पावर माइनस वन। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, टेन को वन बाय टेन लिखेंगे और सिक्स को वन बाय सिक्स लिखेंगे, ये पावर समाप्त हो जाएगा। अब ये कहीं से कटने वाला है नहीं, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू वन इंटू वन वन हो जाएगा और टेन मल्टीप्लाई सिक्स तो सिक्सटी हो जाएगा, वन बाय सिक्सटी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।